एवरीवन, इट्स स्वीकृति, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं बहुत दिनों बाद इतने जल्दी उठी हूँ, मींस अभी अराउंड 5:30 बज रहा है और ये थोड़ी देर बाद थोड़ी सी रोशनी हो गई। मींस मैं पहले जल्दी उठती थी बट अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। एनीवे, सो मैं इससे पहले जल्दी उठी थी बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू अंबाजी, जो कि हमारे घर से है अराउंड 170-180 किलोमीटर्स। और ये रास्ते में मैंने खरीदा ये चुपा चुप बिकॉज थोड़ा बहुत मंचिंग चाहिए होता है। और हम लोग आगे गए, कमीज काफी दूर हो पहुंच गए और यहाँ पे हमें दिखी बहुत सारी बकरियाँ। गाय कहाँ है? कितना बुड्ढा है, ऐसा देख के थोड़ा अलग सा लग रहा है। एनीवेज, हम लोग काफी आगे आ चुके हैं और अभी भी थोड़ा दूर है। और थोड़ी देर के बाद आई वाज लाइक कि क्या करूं, चलो कुछ टाइम पास किया जाए। तो मैंने सोचा कि वो वाला वीडियो नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो कि विंडो से सिर बाहर निकाल के वीडियो शूट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की गिर गई थी बेचारी विंडो सीट से, वो मेरे घर में सबने देख लिया, इसीलिए मुझे इससे ज़्यादा सिर निकालना अलाउ नहीं किया गया। और वैसे भी इट वॉज़ वेरी रिस्की, सो मैंने इससे ज़्यादा किया नहीं। बट ऐसा मैंने वीडियो लिया है, इंस्टाग्राम पे वीडियो आ गया है, ज़रूर देख लेना, आपको आईडी दिख गया हो गया। एनीवेज, उसके बाद हम लोग गए अंबाजी, वहाँ पे हमने दर्शन किया बट वहाँ पे यू नो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोग वहीं पे पास में बहुत सारा खाने का स्पेस है तो वहाँ पे हम लोग ने किया लंच। दिस इज़ फिक्स थाली और मैं यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही हूँ, मैं अपना ही प्लेटर बना, बट पता नहीं क्यों मैं हमेशा ऐसे ही खाती हूँ ना रोटी सब्जी। और आई वॉज वेरी मच अनअवेयर कि अनुकृति अभी फिल्म कर रही है। एनीवेज, तो इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी सब्जी भी खा सकते हो और यू नो आपके हाथ भी गंदे नहीं होते। सो ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं बिना देखे तो ना रहेगा उड़ा देगी। और ये अनुकृति काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, मीन सचमुच मुझे फूकने वाले थे बट खैर। तो हमारा दर्शन हो गया और हमारा पेट पूजा भी हो गया, हम जा रहे हैं, हमारा कार खो गया है पार्किंग में। मिल गया क्या पी रही है? मुझे भी मंदिर का जाए तो कोल्ड ड्रिंक पी के सफर कर रही है। क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक पी के क्या कर रही है? सफर इंग्लिश। मम्मी अपना कोल्ड ड्रिंक लेके बैठी है। इंग्लिश वाला सफर। हाँ, इतना तकलीफ हो रहा है क्यों? इतना स्ट्रॉन्ग है, बाप रे, नहीं अच्छा लग, मजा आ रहा है। मेरे को मजा आएगा। और अभी भी हमारा घर काफ़ी दूर है तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे रुके थे टू हैव सम स्नैक्स एंड हेयर वी आर हैविंग गोटा। और मुझे रोड ट्रिप का ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि स्नैकिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और पता है क्या, वहाँ पे एक कैट थी एंड आई वाज वेरी बिजी लुकिंग एट हर। एक अरे अभी भी हमें घर पहुंचने में काफी टाइम लगेगा इसलिए हम रास्ते में रुके थे टू हैव सम स्नैक्स। ये है गोटा और कड़ी। और पता नहीं क्यों अनुकृति कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी बिकॉज हम लोग जनरली यू नो बहुत ज्यादा स्नैकिंग नहीं करते हैं रोड ट्रिप पे, बट आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट था। मीन्स हम सब लोग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में थे। सो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हमने एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यार। मीन्स सचमुच टेस्टी था बट बहुत महंगा लगा मुझे, बट खैर कोई बात नहीं। और जैसे कि मैंने बोला, आज लिटरली इस वाले रोड ट्रिप में मैंने इतना खाया है ना, लाइक उसके बाद थोड़ी देर बाद आई हैड आइसक्रीम और मैं चॉकोबार खा रही हूँ। अनुकृति वॉज हैविंग बटर स्कॉच कोन बिकॉज थोड़ा सा मुझे मन नहीं कर रहा था कोन खाने का। और अब भी होने वाला है सनसेट और घर पहुँचते पहुँचते बज गया हमें अराउंड 8:30 to 9 PM बिकॉज हम लोग काफ़ी रुकते रुकते गए थे और काफ़ी ट्रैफिक भी है एज यू कैन सी। और मैं यहाँ पे घर पहुँच गई एंड गाइज आई वॉज सो टायर्ड और मुझे बिल्कुल भी भूख भी नहीं लगी थी बिकॉज वहाँ पे अनलिमिटेड लंच था तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लिया था। सो आज के लिए इतना ही, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना, बाय।